उनकी पहली बॉक्सर हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में शिरकत की, ढिल्लन, और शुरुआती लम्हे नीतू और ढिल्लन के बीच के इस मुकाबले में फासले से लड़ने की कोशिश कर रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि नीतू चूंकि साउथ पॉ दिखाई दे रही हैं, अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल खास तौर पर बड़े प्रहारों के लिए कर रही हैं और राइट से नॉकिंग कर रही हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट स्टांस है नीतू का। फुटवर्क अगर आप देखें दोनों का तो अच्छे खासे फासले से लड़ रहे हैं, और यहां पर बरसाने की कोशिश की, कम से कम दो तीन पंचेस बिल्कुल सही जगह पर लगे हैं, कॉम्बिनेशन का अच्छा इस्तेमाल करना होगा, एक दूसरे को भांप रहे हैं बिल्कुल शुरुआती लम्हे में, कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता है। और तीन तीन मिनट के तीन राउंड, और इस समय बढ़िया ये लेफ्ट हुक बिल्कुल स्ट्रेट जाकर के लगा है, शफलिंग बहुत ज्यादा है, फुटवर्क दोनों का बहुत ज्यादा है, लेकिन ये सिर्फ रिंग के अंदर एक दूसरे के साथ, मुझे लगता है कि अब नीतू थोड़ा सा हावी होती हुई भारी पड़ती हुई लगातार वो प्रहार कर रही है, अनसेटल करने की कोशिश कर रही है ढिल्लन को, और कम से कम तीन चार पंचेस, ये देखिए एक और बिल्कुल स्ट्रेट जैब जाकर बाकी इस पहले दौर में नजदीक आई और उन पर प्रहार करने की कोशिश की, हल्का सा नॉक किया और यहां पर लेफ्ट हुक लगाने की कोशिश की, तो नीतू अब डोमिनेट कर रही हैं, शुरुआत में ऐसा लगा था कि शायद उनके पैर उखड़ ना जाएं, ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट जाकर के फेस पर लगा है ये ढिल्लन के, किचन का इस्तेमाल कर रही है नीतू, 30 सेकंड के आसपास का खेल बाकी, क्लिंच की सिचुएशन, और क्लिंच की सिचुएशन से अपने आप को अलग करते हुए डोमिनेट कर रही है नीतू, इसमें कोई शक नहीं। देखना यह होगा कि फर्स्ट राउंड के बाद जो फैसला आता है जजेस का, वो सर्वसम्मत आता है नीतू के फेवर में या स्प्लिट डिसीजन में, लेकिन अब तक की जो प्रोसीडिंग है उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि ढिल्लन के ऊपर नीतू भारी पड़ रही हैं, और कम से कम उनके ब्लोज ऐसे लगे हैं कि बिल्कुल सही जगह पर कनेक्ट हुए, ये दो ब्लोज एक के बाद एक, कॉम्बिनेशन का अच्छा इस्तेमाल, और ये देखिए शुरुआत में ऐसा लगा कि कनाडा की जो बॉक्सर हैं वो संभवतः नीतू को परेशान कर सकती हैं, और ये बिल्कुल जैसी उम्मीद थी, पांच के पांचों जजेस ने नीतू के फेवर में अब तक फैसला दिया है, और एक जज ने तो प्रियंका ढिल्लन को सिर्फ 8 पॉइंट्स दिए हैं, अगर मुकाबला कांटे का होता है तो जजेस 9-9 पॉइंट्स तो कम से कम देते ही देते हैं, अगर उससे कम दिया तो इसका मतलब वो जजेस कुल कर सकी है। दूसरे दौर की शुरुआत होती हुई इस मुकाबले में ब्लू कॉर्नर में नीतू एक बार फिर बहुत अच्छे पंचेस, लेफ्ट और राइट का इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करती हैं नीतू, जब कभी भी उनको एक या सिंगल पंचेस लगाते हुए नहीं देखा है अब, और लगातार फुटवर्क के साथ नजदीक आई, और यहां पर इशारा किया गया सर के पीछे शरीर के पीछे आप प्रहार नहीं कर सकते, इन पर आपको पॉइंट्स तो मिलेंगे नहीं, बल्कि जजेस की राय में आप 10-3 पर, जहां पर आप इस मुक्केबाजी के इस मुकाबले को देख रहे हैं वहीं विनेश फोगट को भी देखेंगे। 1 मिनट से भी कम का वक्त बाकी है राउंड 2 में, और अब ऐसा लग रहा है कि नीतू सिर्फ डिफेंस कर रही हैं, सही रणनीति है, हल्का एक नीतू का बिल्कुल ओपन गार्ड है, देखिए दोनों हाथ नीचे हैं, गार्ड पूरी तरह से खुला हुआ है, और ये एक जैसे ही रेफरी को ये लगता है कि किसी प्रहार से मुक्केबाज थोड़ा सा हिल सकता है तो वो स्टैंडिंग के तौर पर लीड दिखाई देती है, परफेक्ट, पांच के पांचों जजेस ने दोनों राउंड्स में, तो ऐसा लगता नहीं है कि ढिल्लन की वापसी की कोई गुंजाइश है। तीसरे दौर में सिर्फ डिफेंस करना ही काफी होगा, बहुत ज्यादा आक्रामक ना हो नीतू, अपनी एनर्जी को बचा करके रखें अगले मुकाबलों के लिए, ये मुकाबला तकरीबन उनकी झोली में जाता हुआ, आप मनोवैज्ञानिक तौर पर थोड़ा सा हिल जाते हैं। विनेश फोगाट का मुकाबला होगा सामंता स्टीवर्ट्स के साथ कनाडा की, सोनी 10-3 और सोनी लिव पर आप अपनी लीड को मुकम्मल करते हुए इस मुकाबले में कोई बहुत ज्यादा कुछ बाकी दिखाई नहीं देता। आरएसी के आधार पर
आरएससी के बेसिस पर, रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट के बेसिस पर इस मुकाबले को यहीं पर रोक दिया गया। तो नीतू ने बेहतरीन जीत दर्ज की है इस मुकाबले में।